आज वो मेरे साथ मौजूद हैं भाविन भानुशाली और मालती चहल। स्वागत है आपका। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। यू। और बात होगी इश्क पश्मीना की। बहुत ही खूबसूरत हम बोलेंगे टाइटल है, इश्क पश्मीना। पश्मीना जब सुनते हैं तो पश्मीना शॉल याद आ जाती है। आपका हम पूछेंगे ये जो टाइटल है किस तरह से जेल कर रहा है आपकी फिल्म के लिए? उसी शॉल की तरह, जिस शॉल को आप सोच रहे हो, आप जब शॉल सोचते हो तो आपको क्या लगता है पश्मीना यानी क्या है? मतलब वो शॉल को क्यों जानते हैं लोग? मतलब उसकी सॉफ्टनेस, उसकी खूबसूरती। रिसेंटली एक वीडियो देखा था तो पश्मीना शॉल को वो ऐसे पेन डालते हैं उसके अंदर, वापस से वैसे हो जाता है। प्यार भी ऐसा है, कुछ भी कर लो वैसे। सबसे बड़ा हिंट है, सबसे बड़ा हिंट है हमारी मूवी का क्या पश्मीना। तो ये फिल्म की शूटिंग भी कश्मीर पे बेस्ड, कश्मीर में हुई है? कहाँ? वादियों में हुई है, शिमला में हुई है। तो ये पहाड़ों की फिल्म है और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट की हुई विद ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो हम लोग जब पहुँचे थे शिमला और जब वापस आए तो पूरा शिमला वाइट था, पूरा एक महीना वाइट। सो हमने पूरा बर्फ में शूट किया। इट्स वेरी प्रिटी, एंटायर फिल्म इज़ वेरी प्रिटी। हम पूछेंगे लव स्टोरी जो है, ये लव स्टोरी कहीं देखने मिलती है? मतलब हर बहुत सारी लव स्टोरी हमने देखी है तो हर स्टोरी हम जब भी सुनते हैं तो अलग अलग होती है। ये बताएं कितनी अलग है लव स्टोरी? ये बहुत ही अलग है। मैं आपको किरदार तो बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो भी रिलीज नहीं कर सकते, ट्रेलर भी नहीं आया है एंड ट्रेलर में भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। बट इतना बता सकती हूँ कि ये उस ज़माने की फिल्म है जब हमारे पास टेलीविज़न और फ़ोन नहीं होते थे, सो अखबार और रेडियो होते थे। तो हमने उस वो ज़माना दिखाया है। सो आई थिंक इस ज़माने में वो ज़माना दिखाना हर एक्टर को नहीं मिलता है। एंड हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, मतलब नॉर्मल इंसान प्ले नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, उस कैरेक्टर में घुसना। मैं जैसे आप टीज़र में देखोगे मैं पोइट्री बोल रही हूँ, तो वो यू नो श्रृंगार रस में, तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। सो भाविन एज एन एक्टर्स आई फील लकी के हमें ऐसा चैलेंजिंग रोल्स प्ले करने मिल रहे हैं। ये बहुत जब मैंने नरेशन सुना था तो दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट द फिल्म, द कैरेक्टर। ये तो आखिरी में बहुत ही एक यूनिक चीज़ हम बोलेंगे कि उस वक्त जो है लोग सोचेंगे कैसे लोग प्यार मोहब्बत कर देते थे, इजहार करते थे जब वो टेलीफोन वगैरह मतलब मोबाइल भी नहीं होते थे। ये बताइए आप जो अपनी शायरी कह रही हैं, आप जो कोई शायरी आपको याद हो तो सुनाइए। एक याद है, टीज़र में भी है। तेरे सा बन के तुझ में रहने की चाहत है मुझे, तेरा नशा हुआ है तेरी ही आदत है मुझे, तेरे बगैर जो गुजरे वो पल ना आए कभी, तेरे बिना हर एक पल से अदावत है मुझे। बहुत खूबसूरत शेर है। अच्छा ये बताइए, इमेजिन करती हैं आपकी आज हम आप इस दौर के में मतलब बॉर्न हुए, अगर उस दौर में होते तो अपना प्यार लव वगैरह किस तरह इजहार करते हैं आप? मतलब वो चिट्ठियाँ लिखते हैं, क्या करते हैं? मेरे लिए तो बहुत आसान होता, मैं प्यार इजहार ही नहीं करता। तो मतलब सामने वाले को समझ जाना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मतलब सिर्फ मैं सामने वाला यानी कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, मेरे माँ बाप भी हो सकते हैं। मैं किसी से भी प्यार का इजहार नहीं कर सकता। मैं बहुत शरीफ लड़का हूं, मैं शरीफ नहीं हूँ। मैं कोई वो राइट पर्सन मिली नहीं है अब तक, इसलिए नहीं हो रहा है प्यार। उस जमाने में तो लड़कियां इशारों से ही इजहार करती थी, बाकी तो लड़कों को करना पड़ता था कभी। मैं उस जमाने में लोग लड़की कुछ इशारा करते मैं तो पहले समझ ही नहीं पाऊँ क्या क्या चाहती है, या तो डर जाऊँ कि नहीं नहीं मम्मी वो इशारे करती है। सोच रहे हो कैसे रोमांस किया होगा मैंने। नहीं उस दिन चिट्ठियों का बड़ा दौर था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे, कबूतर के जरिए तो नहीं, लेकिन इतना पुराना भी नहीं था। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी पापा को लेटर लिखती थी, पापा एयरफोर्स में थे, पापा टीडीज पे जाते थे ना, तो मम्मी लेटर लिखती थी, बोलती थी पीछे वाला इतना खाली है तेरे को कुछ लिखना है पापा के लिए, तो मैं गंदी सी हैंडराइटिंग में पेंसिल से लिखती थी। तो आई थिंक ये बहुत टाइम बाद हमारे पास फोन आया है, तो उस टाइम तो यार मियाँ बीवी लेटर से लिख रहे हैं, हम लोग भी शायद लेटर से ही करते हैं। राइट। तो ये बताइए कि फिल्म किस तरह से शेप अप की, मतलब किस तरह से आप लोगों को ऑफर हुई, किस तरह से आप लोगों को लगा कि हाँ ये फिल्म करनी चाहिए? अरविंद सर आए थे पहली बार जब मिलने स्टोरी सुनाने के लिए, उन्होंने हमारा काम देखा था, स्टोरी सुनाई, मुझे स्टोरी हमने अलग-अलग सुनी स्टोरी। तो पहले से सुनी क्या मैंने सुनी अभी तक मैं पता ही नहीं है। ये बात साइन पहले में हुआ था, आई थिंक सेम डे पे हुआ था, सेम डे आगे पीछे पहले में हुआ था। आई वेंट टू सी माय ब्रदर्स मैच जयपुर में, तो आई थिंक मैं एक दिन बाद आई थी। तो हाँ साइन पहले में। तो उससे पहले नरेशन के लिए बुलाया गया था, सो आई रियली लव द स्टोरी, स्टोरी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। ऑब्वियसली इन वर्कशॉप वी वर्क ओवर द स्क्रिप्ट, कैसे बेटर हो सकती है क्या है,
बट इसकी जो एक थीम है ना वो बहुत प्यारी है, मतलब जो पहले बार नरेशन मिला आई कुडंट से नो। अच्छा ये बताइए भाविन कि आप चूँकि आपकी एज बहुत कम है और अभी आप बोलेंगे डेब्यू समझें इसको हम लोग, तो अभी कुछ दिमाग में रहता है कि जैसे पुरानी एक्ट्रेस जो अभी आपसे सीनियर हो चुकी हैं, दीपिका है, कैटरीना है, करीना है, एक रुको सवाल सुनो पहले, तो कोई ऐसा आप सोचते हैं कि किसी साथ मौका मुझे मिलना चाहिए था, कौन वो ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसका आप सोचते हैं मुझे इसके साथ एक्ट्रेसेस आलिया आलिया एनी डे आलिया ओवर एनी डेली चार नाम बताता है मुझे आलिया इज कॉमन आलिया आलिया कांस्टेंट है मेरी और वही रहेगी। मैं अगर अगर ये फिल्म वर्क करती है और फ्यूचर में मैं अगर बहुत हीरो हीरो बन जाता हूँ, बड़ा एक्टर बन जाता हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क विद आलिया। मानी आपसे पूछेंगे कि आपके भाई इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर किसी क्रिकेटर को अगर चांस मिलेगा हीरो बनने का तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? क्रिकेटर को आई वुड लाइक टू स्केप दिस आई पास दिस क्वेश्चन। धोनी के साथ मस्त है। हाँ बट वो एज एन एक्टर मतलब आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। ये तो ये इनडायरेक्टली तो ये क्वेश्चन ये हो गया आपका क्रश कौन है? ऐसा नहीं है। किसके साथ करना चाहोगे तुम? विराट टाइप्स? नो देन एमेजोन आप सोचती कि मतलब दीपक भी इसको कहीं कहीं मतलब प्रमोट करें फिल्म को या कुछ उनसे बात चल रही है? किनसे? दीपक से? दीपक से हाँ, आपके भाई से? अब सगी बहन हो तो करेंगे, करेगा ही करेगा, बात क्या करनी है इसमें, ही इज गोइंग टू एवरीथिंग इन हिज पावर। चलिए फिल्म जो है 23 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, हम पूरा यकीन है कि इसकी जो पहली झलक देखी है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है और वाकई में दिल को छूने वाली है, और फिर आप भी हैं, आप वैसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं और फेमस होना फिल्म चलने से कोई रिलेशन ही नहीं है, फेमस होने से फिल्म चल जाती तो बहुत सारी फिल्में चल जाती है, नहीं फॉलोइंग तो रहती है ना, उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इतने बड़े स्टार्स की मूवीज फ्लॉप हो रही है फिलहाल, नहीं लेकिन हम आपको ऑल द बेस्ट बोलेंगे। लोग जो है थोड़ी सी हट की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, और हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मतलब लगता है कि बहुत छोटी फिल्में लेकिन बहुत बड़ा कमाल दिखाती हैं, तो हमें ऐसा फील आ रहा है कि आपकी फिल्म जो है ज़रूर काम करेगी। और हम जैसे कि अभी अनुराग कश्यप जी ने बोला था कि हमारे सिनेमा में हम नहीं दिखते, सो इस सिनेमा में हम दिख रहे हैं, इंडियन सिनेमा कुछ जेन्युइन है, रॉ है, सो वो अच्छा है इस फिल्म के लिए, मतलब एडाप्टेशन नहीं है, कॉपी नहीं है, और पूरा पोइट्री में पूरे 5 गाने हमने उस जमाने 90s में जैसे होता था उस वैसे फिल्म बनाई है। एक चीज़ पूछेंगे, रिलिव 90s देन यू शुड वॉच। एक चीज़ पूछेंगे, क्या आज की डेट में इस तरह का लव आप मतलब आप सोचते हैं आपको कोई ऐसा अफेयर होना चाहिए जो इस फिल्म में दिखाया गया आप लोगों का? ऐसा अफेयर होना चाहिए? हाँ नहीं, मैं तो चाहूँगा कि मैं तो चाहूँगा अगर मुझे कभी लाइफ में प्यार हो तो किसी लड़के के साथ, अगर मुझे कभी हो तो जैसा मैंने कैरेक्टर प्ले किया है वैसा ही प्यार हो। आप भी चाहती हैं ऐसा कोई प्यार मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डीप है ये, बहुत डीप है। चलिए हमें पूरा यकीन है फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, दर्शकों को, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।